ब्लड थ्री में जी एक स्टेटमेंट आया था 28/11 का कि उसको अरेस्ट करके पेश किया था जी। और ऑर्डर शीट ये नहीं कहती कि उसको अरेस्ट किया गया साहब। एक छोटी सी बात है, मुझे नहीं मालूम, मैंने जो पढ़ा है अरेस्ट करने के लिए आपके ऊपर हाथ रखा, अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट, फिर उसको थाने जाके रोल नामचा में डालेगा कि गिरफ्तार कर कस्टडी में लिया गया, फिर एक पुलिस वाले का रोल नामचा डालेगी कौन पुलिस वाला उसको सामने ले जा रहा है, और फिर वो जब ऑफिसर डिस्चार्ज होकर जो आएगा तो वो बताएगा कि जिसको गिरफ्तार करके हम ले गए उसको छोड़ दिया गया या जेल भेज दिया गया, और फिर वापसी में वो करेगा। इसमें क्या किया था इन्हें थानेदार साहब ने, जब 28/11 वाली 25/11 23/11 में कोई पेश नहीं हुआ गया तो इनने एक झूठा बनाया 3 तारीख को हम ले गए थे बयान उसके ले लिए उसके लिए, ये सब बना सकता है, रोड नामचा नहीं बना सकता। कंप्लायंस हो गई थी आपकी? वही सर कंप्लायंस। क्या कहा आपके कमिश्नर साहब ने? सीसीटीवी फुटेज में उसका फोटो है, वेरीफाई किया, और जो अधिकारी कर्मचारी ने जो कॉन्स्टेबल ने उसको प्रोड्यूस नहीं किया उसके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रहा है। हाँ है आपका प्रोड्यूस नहीं किया, नहीं अरेस्ट कब किया आपने उसको? अरेस्ट कब किया है? अरेस्ट होकर नहीं किया था सर, वही तो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग यही हुआ था, वो स्वयं पहुंच गया था जब विटनेस वहाँ पे, कोर्ट अवेलेबल नहीं थी तो उसको बाबू साहब ने किया क्या? साइन नहीं किया। हाँ तो बाबू साहब कौन है बता दें, उनकी भी जांच करवा देते हैं कोर्ट में, जिन्होंने बिगर साइन किए उसको जब वो आया था जी, इस व्यक्ति के खिलाफ तो गिरफ्तारी वारंट था ना जी जी, ये बात तो सही, सही है, है सही है। तो बाबू साहब कौन से कानून के ऊपर होगा जिन्होंने उसको जाने दिया जी? और सेकंडली सर, लास्ट टाइम कोर्ट के सामने की थी कि उसको कैसे छोड़ दिया था 3 तारीख को उसका स्टेटमेंट लेके, तो ये था कि लास्ट डेट तक उसका वारंट था, दूसरा जो वारंट इशू हुआ था वो थाने में रिसीव नहीं हुआ था ड्यू टू दैट वारंट। गिरफ्तारी वारंट तो परपेचुअल होता है, पेशी टू पेशी नहीं होता, ये पुलिस को इतनी बार समझानी पड़ेगी क्या? अगर अगर बेलेबल वारंट होता जी जी तो वह उस पेशी के लिए था, उस पेशी के बाद अगर नया बेलेबल वारंट प्राप्त नहीं हुआ है देन दे वुड हैव बीन राइट, बट लेट अस फर्स्ट क्लेरिफाई द फैक्ट्स वेदर अरेस्ट वारंट वाज इशूड अगेंस्ट हिम। यस 23/11 का अरेस्ट है सर। हाँ जी, नहीं मुझे याद है, मुझे याद है, इसीलिए इनसे पूछ रहा हूँ। तो फिर नए वारंट का इंतजार किस प्रावधान में कर रहे थे? पुलिस कमिश्नर साहब को बुलवा लीजिए, कौन से कानून में है कि एक बार जब नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गया, अरेस्ट वारंट जारी हो गया, तो वो डेट गुजर जाने के बाद में आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कौन से कानून में? पेज 2 ऑफ हिज एफिडेविट जी लॉर्ड सर। आप पढ़िए, कहाँ है आपका एफिडेविट? आपने तो इतनी मोटी रिपोर्ट पेश की है, इसमें रिपोर्ट है सर, इंक्वायरी रिपोर्ट पूरी। पुलिस अधीक्षक देहात जी जी, क्या कहाँ लिखा है? पेज 2 पे पढ़िए प्लीज। उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय देहात जिला भोपाल के कारबाग प्रधान अधीक्षक राजेश राजपूत साक्षी घनश्याम अरोरा गिरफ्तारी वारंट न्यायालय से प्राप्त होने व उसके अदम तमील होने संबंधी जानकारी थाना प्रभारी के संज्ञान में नहीं लाने से दिनांक 28/11 को माननीय उच्च न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में जानकारी चाहे जाने पर कि उप निरीक्षक रिंकू जाटव को गलत जानकारी देने पर उक्त गिरफ्तारी वारंट तामील हो तो स्वेच्छापूर्वक तरीके से आरक्षण दिवंत बाबू सौंपने लापर, इसको तो जिसने बताया नहीं उसको दिया। लास्ट में सामने मेरे लिखा था कि आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, उसमें सर चूंकि पकड़ में कारबाग निरीक्षक विजय बहादुर सेंगर थाना प्रभारी सुखी सुवनिया भोपाल द्वारा शासकीय अधिवक्ता महोदय को निर्देशों की उपरोक्त अनुसार त्रुटिपूर्ण व्याख्या करते हुए संशय के कारण अपने अधीनस्थ कथन लेख करवाने संबंधी निर्देश दिए हैं, जबकि वारंटी के कथन लिए जाने कोई प्रावधान नहीं है जी। अतः कारबाग निरीक्षक विजय बहादुर सेंगर थाना प्रभारी सुखी अधीनस्थ पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होने पर शिथिल कार्य प्रणाली के लिए कार्यालय के आदेश से काम हो जाएगा। आप मजाक कर रहे हैं, निंदा का क्या इम्पैक्ट होता है? इट्स अ सीरियस ऑफेंस, इट्स अ मेजर मिसकंडक्ट, और हमने किसका एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला था आपको? एफिडेविट नहीं, एसपी को इंक्वायरी करने के लिए कंडक्ट, एसपी का बोला था, पुलिस कमिश्नर का बोला था। देखें जरा ऑर्डर शीट, देखें पुलिस कमिश्नर भोपाल, पुलिस कमिश्नर विद कंडक्ट डिटेल्ड इंक्वायरी दैट अंडर व्हिच प्रोविजन ऑफ लॉ, तो वो कहां है पुलिस कमिश्नर साहब का? फेलिंग व्हिच पुलिस कमिश्नर, कहां है पुलिस कमिश्नर साहब का? पुलिस कमिश्नर कब तक आप कोर्ट की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे? और इज योर पुलिस कमिश्नर अबव लॉ? नो सर। देन वेयर इज द
रिपोर्ट ऑफ द पुलिस कमिश्नर is not available on record as per the directions issued by this court on पांच बारह दो हजार बाईस लेट रिपोर्ट ऑफ पुलिस कमिश्नर बी प्रोड्यूस ऑन रिकॉर्ड बिफोर नेक्स्ट डेट फेलिंग विच पुलिस कमिश्नर भोपाल शैल रिमेन पर्सनली प्रेजेंट। पूछ लीजिएगा ये निंदा की शास्ति का पर्याप्त है क्या? नहीं है, वो तो मुझे पेनल्टी मिली है निंदा। एक्चुअली अ डिटेल्ड इंक्वायरी फॉर मेजर मिसकंडक्ट शुड हैव बीन कंडक्टेड अगेंस्ट हिम बिकॉज़ ही इज हैंड इन ग्लोव विद दी। इसमें लिखिएगा, अभी मत लिखिए, याद दिलाइएगा अगली पेशी पर। दिस मैन अपीयर्स टू बी हैंड इन ग्लोव विद द अक्यूज्ड। दो मिनट सर, वो तो गया तो था सर, उसमें बड़ी मेहरबानी करी जा नहीं, सीसीटीवी, इनका ये कहना था गया ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज में सर। इनकी बात पर मैं 100% किसी की बात पर भरोसा नहीं करता। इशू इस वक्त दूसरा है सर। सर वो गया था, बस में लिखिएगा इन द मीनवाइल डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज भोपाल विल आल्सो टेक एक्शन अगेंस्ट द कंसर्नड कोर्ट क्लर्क हु हैड अलाउड द विटनेस एज पर द रिपोर्ट फाइल्ड बाय द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस within bracket rural Bhopal allowing the witness to leave the court premises without marking his presence and without being referred to the in charge judge who was authorized to take appropriate action in accordance with law। Okay.